राजस्थान से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने मुरैना, दीमनी, सुबावेली, गुहाल, ग्वालियर पूर्व, डबरा, करेरा, ब्यावरा, आगर में जीत हासिल की। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी सीटों पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने चुनावी सभाएं की थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं पायलट का साथ मिलता हुआ दिखा है। बतौर स्टार प्रचारक ये दौरा सचिन पायलट के लिए बेहद ही अहम था। खासकर गुज्जर समुदाय के सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र मुरैना और दिमनी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जहां पर पायलट का दौरा अहम माना जा रहा था। दिमनी में कांग्रेस के रविंदर सिंह तोमर ने 19,712 वोट से जीत हासिल की है। मुरैना में राकेश ने लगभग 5,700 वोट से जीत हासिल की है। शुभम वैली में कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा ने 11,203 वोट से जीत हासिल की है। करेरा में 30,940 वोटों से जीत हासिल की। साथ ही रामचंद्र दागी ने 12,112 वोटों से जीत हासिल की। वहीं डबरा में भाजपा के इमरती देवी को हराकर कांग्रेस के सुरेश राजे ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम के पहले सचिन पायलट के द्वारा किए गए दौरे कहीं ना कहीं सफल माने जा रहे हैं। इस बात पर कोई दो राय नहीं कि पायलट कांग्रेस के काबिले युवा नेता है, लेकिन कुछ वक्त पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मतभेद के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन मध्य प्रदेश में पायलट के दौरे वाली इन क्षेत्रों के परिणाम कांग्रेस में फेवर में आने के बाद पायलट की भूमिका भी राजस्थान राजनीति में सामने भी आई है। अब सुनने में ये आया है कि राहुल गांधी सचिन पायलट के साथ बंगाल की राजनीति भी बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।